हिंदी मीडियम का बैच है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी मीडियम मतलब आप हिंदी से पढ़ के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, ठीक है ना। पहली ये बात समझ के रखिए कि हिंदी मीडियम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप, हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है या नहीं है। यस सर। 200 देश अगर हैं पूरे वर्ल्ड में तो 150 देशों में ये लैंग्वेज बोली जाती है। आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? और जो अंग्रेजी अंग्रेजी हम करते हैं वो कितने कितने देशों में बोली जाती है? सिर्फ 14 कंट्रीज में बोली जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंस समझना है, मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी भूल के अंग्रेजी सीखनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हिंदी को और अपडेट रखना है और अंग्रेजी और अदर लैंग्वेजेस भी सीखनी है। नेवर हेजिटेट, कभी तुम्हें बात करने में, अंग्रेजी में बात या हिंदी में बात करने में किसी से तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात आप सभी से बात करना। जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको हिंदी में बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप हिंदी में बात करिए, अपने आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में किसी को बताते हैं, आप हिंदी में बात करिए, तेज आवाज में बात करिए, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के हाई करके बात करिए। और 14 वो देश जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है वो सभी देश वही देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली हमारा भी देश है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी ऐसे कंट्रीज हैं जो जिनके यहाँ पे अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया पहले से, 50 साल पहले से, 100 साल पहले से, और आज हमें मजबूरन उनको कॉपी करना पड़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आया था जिसमें से टॉप 10 लैंग्वेजेस में हिंदी लैंग्वेज को रखा गया है, और ये भी बोला गया कि 2050 तक ये सबसे शक्तिशाली लैंग्वेज बन के आगे आएगी पूरे वर्ल्ड में। और कौन करेगा इसको सबसे शक्तिशाली, कौन आगे बनाएगा? हम सभी बनाएंगे। तो आप कन्नड़ बोलते हैं बोलिए, भोजपुरी बोलते हैं बोलिए, बैसवारी बोलते हैं बोलिए, अवधी बोलते हैं बोलिए, किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और SSB इंटरव्यू में जब तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ हिंदी में लिख दो। आइडिया क्या है? आइडिया ये कि अपना जो टेम्परामेंट है, अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो अपने अच्छे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, उनको कैसे भी आपको रिफ्लेक्ट करना है, उनको दिखाना है, उनको ये बताना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। ये लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। आर्म फोर्सेस में एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई अंग्रेजी। क्यों बना दी गई? कोई कन्नड़ बोलता है, कोई असामीज बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई अवधी बोलता है ना, कोई बंगाली बोलता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भोजपुरी बोलता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि भाई जब आप फौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग पैटर्न एक रखा गया और ये बोला गया कि एक कॉमन लैंग्वेज बना दी जाए जिसे सभी आपस में बात कर पाए। अब यहाँ पे विरोधाभास भी है, तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज क्यों नहीं बनाते आप, अंग्रेजी क्यों बनाई? तो क्यों बनाई समझ में आ गया? क्योंकि हम पहले से, हमें 50 साल पहले से और इसके काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे हमारे इतिहास को कैसे छेड़ा गया, हमारी चीज़ों को कैसे खिलवाड़ किया गया, उसके लिए हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट दिन हर दिन काम कर रही है ना, देख रहे होंगे आप, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे और उसको चेंजेस किए जाएंगे। तो आगे आप देखेंगे आने वाले समय में हमारी संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है। मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का हूँ और जब मैं 12th क्लास में था तो हम लोगों को या कुंदे नतुसार हार शुरू कराया जाता था, ठीक है, और वो आरती हम लोग सुबह उठ के पहले, सबसे पहले यही करते थे, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, खुला आसमान है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, सब बताई जाए। हमारे टाइम में कोई बताने वाला नहीं हुआ करता था, इतना कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हुआ करता था। चलिए ठीक है, जैसे था एकेडमिक की नॉलेज हो जाती थी, बट कोई इस तरीके से गाइडेंस देने वाला नहीं था। आज आप इतने इस लेवल के इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं जहाँ मुझे लगता है किसी चीज़ की कमी नहीं, हर तरीके, हर जगह से AC लगी हुई है, ठीक है, जब सारे संसाधन मिल गए आपको, पेरेंट्स ने वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए, अभी कंप्लेनिंग नहीं रहना है, अब पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होना है ना। पेरेंट्स, आपने जो बोला पेरेंट्स ने वो किया, और लाइफ में एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, लाइफ में एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, मेक इट फाइनल, नहीं तो बस घर वालों का पैसा बर्बाद करते रहो। गूगल में खोलोगे, गूगल वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, वही दिखाएगा गूगल आपको, जो आप देखना चाहते हो वही दिखाएगा। तो कोई बोलेगा 500 रुपए की टेस्ट सीरीज ले लो, कोई बोलेगा 500 रुपए की बुक ले लो, आप 500 रुपए देते रहो,
लाइफ में एक फाइनल कर लिया आपने, फाइनल है बस यहीं से आगे निकल जाना है, ठीक है। और जितना भी दम है आपके अंदर पूरी शिद्दत के साथ यहीं पे लगा देना है। आपको इतने बेहतरीन ट्रेनर्स के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। अभी आप जैसे ही एनडीए रिटर्न एग्जाम आता जाएगा आप देखेंगे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, बैकअप क्लासेस, सारी चीज़ें मिलेंगी। आप बोलोगे यार इतनी क्लासेस, ठीक है, बट जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहना, नोट्स बनाते रहना, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स खाते रहना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आना, ये सब करते रहेंगे स्मूथली आप देखेंगे पता ही नहीं चलेगा सर रिटर्न क्वालिफाइड। कल रिजल्ट आया रिटर्न क्वालिफाइड, आज देखना अभी शाम को, अभी बच्चे बैठे हुए हैं नीचे, अभी मैं जाऊँगा शाम को, फोटोज तुमको मिलेंगे रिटर्न क्वालिफाइड। कल तक चलता रहेगा, परसों तक चलता रहेगा, कोई एक हफ्ते बाद बच्चा आएगा सर मैं तो गाँव चला गया था क्वालिफाई कर गया। तो अभी SSB के बैचेस में शुरू हो जाएंगे बच्चे, तुम लोगों को सारी SSB और जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मिलेगी। अभी धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो, शिफ्ट करो, नई जगह जाते हैं वहाँ अपने आप को शिफ्ट करते हैं। थोड़ी डिफिकल्टी हर किसी को होती है ना, तुम्हारे यहाँ का ऐसा हो सकता है खाना दूसरा हो, यहाँ का थोड़ा खाना शिफ्ट हो, एडजस्ट करना है, बट धीरे धीरे फिर नई जगह जाओगे, पहली पोस्टिंग जाओगे, पता नहीं कहाँ पहली पोस्टिंग आएगी, इस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।